डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी सहयोगी संजय सिंह को गुरुवार को भारतीय कुश्ती संघ महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद गुरुवार को मतदान हुआ, क्योंकि महासंघ को अंतरराष्ट्रीय महासंघ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा निलंबित कर दिया गया था। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित 15 पदों के लिए चुनाव हुए। ओलंपियन बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के नेतृत्व में पहलवानों के एक समूह द्वारा लंबे आंदोलन के बाद डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को पद से हटा दिया गया था। पूनिया और मलिक ने हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी और ब्रजभूषण के सहयोगी को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के तरीके मांगे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने गुरुवार को कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के रूप में संजय सिंह की जीत के बाद वह अब कुश्ती में प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। संजय कुमार सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इस फैसले से नाराज साक्षी मलिक ने अपना दर्द बयां किया है। इस ऐलान के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाने से पहले अपने जूते उतारकर मंच पर रख दिए और रोते हुए अपनी बात कही। भावुक साक्षी ने कहा, मैं निराश हूं और मैं अब कुश्ती में प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगी। संजय पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी सहयोगी हैं, जिन्हें ओलंपियन बजरंग पूनिया, साक्षी और विनेश फोगाट के नेतृत्व में पहलवानों के एक समूह द्वारा लंबे आंदोलन के बाद पद से हटा दिया गया था।